26 तारीख से कुछ किसान यूनिट्स ने ये एक आंदोलन का आह्वान किया हुआ है, और जींद जिले में हमें सूचना भी आज गुप्त सूत्रों से प्राप्त हुई है कि पंजाब के कुछ किसान भाई जो है भारी मात्रा में बॉर्डर से नरवाना एंटर करके दिल्ली जाने का प्रयास करेंगे। मैं सभी जींद वासियों से भी और सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि शांति बनाए रखें, किसी के भी बहकावे में ना आए, कानून को अपने हाथ में ना लें, और इस तरह की मूवमेंट जो है राजधानी की तरफ जो प्रतिबंधित की गई है सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, उसे ना करें। साथ ही सभी जींद वासियों से मैं अनुरोध करूंगा कि कोरोना की वजह से भी, और वैसे भी ये शादी का सीज़न है, तो आप पंजाब की तरफ जो अगले दो दिन है वो मूवमेंट अपनी ना करें। जगह जगह सख्त हमने नाके भी लगाए हैं, पुलिस और प्रशासन द्वारा सख्त चेकिंग की जाएगी, धारा 144 जिले में लगा दी गई है, और साथ ही हमारा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह की मूवमेंट अभी हम पंजाब बॉर्डर से जो इस तरह की एजिटेशन की है वो हम अलाउ नहीं कर पाएंगे। प्रशासन पूरा इसे सख्ती से निपटने के लिए तैयार है, हमने भारी बल की डिप्लॉयमेंट कर दी है, जगह जगह हमारे एम्बुलेंसेज, रोड ब्लॉक, बैरिकेड्स लग गए हैं, और पूरे सख्ती से निपटने के लिए प्रशासन इसे तैयार है। फोर्स भी बुलाई है जी इसमें? जी कुछ फोर्स हमने बुलाई है, परंतु वो डिटेल में अभी कुछ कारणों से शेयर नहीं कर पाऊंगा, परंतु इतना मैं जरूर बता सकता हूं सभी जींद वासियों को कि पूरी कानून व्यवस्था हम बनाए रखेंगे, किसी भी प्रकार के व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। कितनी टीम गठित की गई है इसमें जी? 30 से ज़्यादा टीमें हमने बनाई हैं, उनकी अलग अलग लोकेशन हमने खुफिया रूप से लगाई हैं, और जहाँ पर भी हमें कहीं ऐसा संदिग्ध मूवमेंट दिखेगी उस पर हम सख्ती से निपटने को पूरा तैयार हैं। सर, जो किसान बॉर्डर पे होंगे एंट्री रोक दी गई सर जी? जी बिल्कुल, एंट्री रोक दी जाएगी।